बेबी सिपू आ रहा है भाई, बेबी सिपू आ रहा है भाई। भाई सबसे पहले मेरी इस पे नजर पड़ी थी, मैंने कहा यार ये तो बेबी सिपू नहीं है, वो इसके पीछे पीछे आ रहा है भाई। किधर जा रहे हो भाई, ये छुपी जा रही है। कान देखिए, कानों का साइज यार, तुम कहां? बहुत प्यारा है इसकी माँ। हाँ जी, बाप किधर गया है? बाप नस गया होगा, दूसरी शादी कर ली होगी। दूसरी शादी कर लिया ना बाप ने, बड़ा बगा रहता है। नहीं खेल गया मैं भाई, हम बेबी शिपू को लेके बैठ गए, उसकी अम्मा हमारे पीछे पीछे आ रही है यार। आइए दोनों को ही ले लिया भाई, दोनों को ही लाना पड़ेगा ना, लाना पड़ता है। दोस्तों डकी बाइक का बेबी शिपू फाइनली आ चुका है भाई, देखते हैं। हियर वी गो गो। हेलो जी, वी आर बैक विद अ व्लॉग। और यार आज जो है फाइनली बेबी शिपू आ रहा है भाई। बड़े दिनों से तुम लोगों ने जो है मैंने वादा किया था कि हम लोगों ने बेबी शिपू लेके आना है, छोटू सा, इतना सा जिसको मैं जेब में लेके भी फिर सकूं। अच्छा तुम लोगों को याद होगा कल वाले व्लॉग के अंदर जो है हम लोगों ने ये जगह लेवल की साफ कर दी थी, ठीक है, अच्छी खासी साफ हो गई है। कल तो अंधेरा है, आज रोशनी में देख लो भाई, साफ सूफ करके जो है ना हम लोगों ने ये जगह रख दी है ताकि हमारा बेबी शिपू यहाँ पे खुल के एंजॉय कर सके भाई। अब इसके खिलौने लेके आने हैं, उसके लिए प्ले स्टेशन भी लेके आना है, एलसीडी टीवी भी लेके आना है ताकि उसको दिल लगा रहेगा यहाँ पे कुछ। वेलकम बैक हो गया तुम सब कहना तो व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डकी बाई व्लॉग एंजॉय नहीं किया तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बहुत सारे लोग जो है सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। तुम लोग मुझे फुद्दू समझते हो कि मुझे पता कुछ नहीं है। जितने भी लोग सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे तंग करते हैं इस तरह से। मैंने हुकूमत पाकिस्तान से बात कर ली है, तुम लोगों की सिमें बंद हो जाएंगी, ना तुम लोग नेट चला सकोगे, ना तुम लोग किसी को कॉल कर सकोगे। मसला तुम लोगों को ही होना है, फिर बाद में तुम लोगों ने मुझे आखिर होना है। चुप कर बे कुत्ते, बाद में सब्सक्राइब कर देना, फायदा कोई नहीं होना। अभी करो सब्सक्राइब, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। कभी कोई नुकसान ना हो ना यार, तुम लोग जब मीम यूज करते हैं ना मजा आ जाता है देख के। मैं नहीं चाहता कि बाहर कोई वीगो डाला आके तुम लोग को अरेस्ट करके जो है 5 साल के लिए प्रिजन में फेंक दे, ऐसे नहीं हो यार। 100 रुले हो सकते हैं यार, मैं चाह रहा हूँ तुम लोग फटाफट जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि रुले मुके ना यार। सरदार कहाँ थे? मैं आपके लिए नाश्ता लाई। क्या है नाश्ते में? अंडे हो क्या? अरे क्या हुई, मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं सोया होता हूँ तुम तब फजीता चिकन चीज और पता नहीं क्या क्या ले आती हो, जैसे तुम कल लेके आई थी, और अब मैं जागा हूँ फ्रेश हूँ तो तुम दोबारा डाले आई हो। अभी नाश्ता वगैरह करते हैं और गेस करो क्या होने वाला है। गेस करो, बेबी शिपू आ रहा है भाई। यार अभी पता करना है 2-3 जगहों से, वैसे तो दुआ करो जिस जगह पे पहले जाना है ना मैंने वहीं पे पसंद आ जाए, क्योंकि वो दूसरी जगह बड़ी दूर है। मेरे पास कोई 5-6 जगह है, 5-6 ऑप्शन है जो मैंने बहुत सारे लोगों के जिम्मे लगाया हुआ था। जैसे ये वाला देखें, ये मुझे किसी ने सेंड किया था, ठीक है, लेकिन ये जो है ना एक तो शिपू से इसकी शक्ल नहीं मिलती थी और साइज में भी थोड़ा बड़ा है। फिर उन्होंने मुझे ये भी सेंड किया, ये वाला जो है पूरा ही सफेद है, तो इसका जो है ना शिपू के साथ कोई पैटर्न है नहीं, साइज इसका छोटा ही था। तो इस 5-6 लोगों के मैंने जिम्मे लगाया हुआ था, एक ने जो है ना बड़ा परफेक्ट भेजा, उसकी मैं फोटो नहीं दिखा रहा, लाइव ही जाके देखेंगे भाई। भाई 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 मेरा भाई फटाफट जो है ना नाश्ता मुकाते हैं फिर निकलते हैं भाई। शायद आज प्लीज लेके आना उसको, ये ना हो कि तुम आज भी गोली करा रहे हो जैसे पिछले 3 हफ्ते से करा रहे हो। नहीं आज लेके आएंगे पक्का, प्रॉमिस। हां चलो चलिए यार। तो परमिशन लेके क्या करना है? पागल हो गए हो? उन्हीं चुप करके ले आएंगे, वहीं पे ठहरा रहेगा, उनको बताने की जरूरत थोड़ी है। मम्मा से पूछ लो यार, एक बार उनसे इजाजत ले लो फिर चले जाएंगे। यार वो पर तुम ऐसे ही ड्रामे पति लगा देना, चुप करके ले आएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो व्लॉग देख रहे ज्यादा ज्यादा उन सब, वो वैसे भी ऊपर नहीं आती यार। ये देख लो, ये मम्मा है, ठीक है, ये अगर उन्होंने लट से हमारे पास बेबी शिपू आ गया, अब उन्होंने समझो कि इन्होंने बेबी शिपू को पकड़ लिया, क्या कर लिया ये देखो, ये कोई डरने वाली चीज है? इमेजिन करो मम्मा ये बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, हाँ जी बेबी शिपू को पकड़ लिया, अब क्या डर लग रहा है तुम्हें? कुछ कहेंगी? कुछ कहा ही नहीं, ये देखो कुछ भी नहीं कहा, स्माइल कर रही है यार वो। बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले, तुम्हें खुद पता लग जाएगा बेशक। हाँ। खुद नहीं बताना, मैं नहीं बताती, ठीक है। हाँ। मैं 1-2 व्लॉग का चक्कर मक्कर डालता हूँ उनके फोन से, कोई ना डिलीट करने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ। हरामी हो बेटा, भाई घर में किसी को भी नहीं बताया, भाई बेबी स्कूल लेके आ रहे हैं। तो यार हम लोगों ने जो है ना एक टब भी पकड़ लिया, बेबी शिपू लिटरली इतना ही होगा भाई, इससे ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं है उसका, मेरे मुंह से छोटा है भाई, इसमें फिट आ जाएगा। इसको जो है ना हम लोग रख लेते हैं गाड़ी के अंदर। ओए ओए चलो जी, ओए तो 2-3 ऑप्शन है हमारे पास बेबी शिपू देखने की, लेकिन जो अभी जो बेस्ट वाली जो ऑप्शन है ना, अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, और मजे की बात यह वो घर के इतना दूर है भी नहीं, और हमें जो है ना लेवल का बेबी शिपू मिल जाए क्यूट सा। हम लोग लोकेशन में पहुंच तो गए, लेकिन ये तो सारे बकरे बकरे हैं यार, छोटे छोटे शिपू तो इसमें नजर नहीं आ रहा भाई, मुझे जाके देखना पड़ेगा भाई।
हाँ जी की आले ठीक हो तो ये अफनान भाई है जिनके मैंने जिम्मे लगाया था कि यार बेबी शिपू जो है ना हमें ढूंढ के देख थे आएगा शिपू ये शिपू का शिपू की जगह आपने यहाँ पे पता नहीं 1500 बकरियां खड़ी कर दी है ये क्या सीन है भाई मैंने कहा यहाँ से पसंद करे ना आपको पहले कलर तो शिपू के यार ये तो मुझे शिपू से ज्यादा क्यूट लग रहे हैं भाई ये कलर है ना शिपू के अंदर यार ये देखो कितने क्यूट छोटे छोटे बकरे हैं भाई क्या हाल है देखिए कितने आवाज निकालते हैं भाई साहब ये बड़े हैं ये बच्चे नहीं है इमेजिन इसका बच्चा कितना क्यूट होगा भाई इसका बच्चा तो मेरी मुट्ठी जितना होगा है यार मेन मुद्दे पे आओ ना यार शिपू किधर है सेम लाइक शिपू हो वरना मैंने नहीं लेना उसका मुंह बिल्कुल शिपू मुझे बिल्कुल ऐसा लगे कि हम शिपू टाइम ट्रैवल करके बचपन में आ गए हैं साहब भाई मुझे एक पूरा वीक लगा है और अब आपको जो मैं शिपू दिखाने लगा हूं मुझे फटाफट दिखाओ आपने इतनी एक्साइटमेंट बना दी है भाई सबसे पहले मेरी इस पे नजर पड़ी थी मैंने कहा यार ये तो बेबी शिपू नहीं है वो उसके पीछे पीछे आ रहा है भाई किधर जा रहे हो भाई ये छुपी जा रहे हो यार ओए 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 भाई इतना क्यूट था इतना बेबी शिपू है भाई क्या बात है भाई तुम कौन हो इसके बाप हो और इसकी माँ है अच्छा दूध भी लगा हुआ इसको इसकी माँ है ये इसकी माँ है हाँ जी कितने साल का है बच्चा ये 15 दिन का हो गया 15 दिन ओए 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 वो देखो उसकी माँ का दूध पी रहा है वो देखो मुंह मार के बिल्कुल शिपू जैसा है यार इधर आओ क्यूट भाई ओए ओए कानों का यार कहाँ पे थे बिल्कुल शिपू जैसा हमें काका मिल गया सेम लग रहा है 15 दिन का बिल्कुल एग्जैक्ट 15 दिन का अच्छा ये इसकी मम्मा है जी ये इसकी मम्मा है और ये जो है हमारा शिपू है कैसी हो बेबी शिपू बड़ी देर से ढूंढ रहा हमें तुम्हें है भाई वो उसकी अम्मा को लेके जा रहे बेबी शिपू के गले में तो रस्सी भी नहीं है वो उसके पीछे पीछे आता है भाई यार ये कितना क्यूट है यार बेबी शिपू ये इसकी अम्मा को भगाना थोड़ा उस तरफ देखते हैं उसके पीछे पीछे आता है कि नहीं बस बेचारा थक गया यार ये क्या चीज है भाई यार तुम कहाँ पे थे हैं बड़ी टाइम हो गया मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार भाई ये वीडियो के अंदर मुझे नहीं पता तुम लोगों को क्या साइज लग रहा है लेकिन ये इतना पिदकुस है भाई ये इतना छोटी सी है अम्मा इसकी ये बहुत पिदकु है यार टांगे लंबी है बस इसकी शिपू भाई शक्ल भी बिल्कुल शिपू जैसी आवाज क्यों निकल तुसी गल करो वेचन वाली इसकी अम्मा के बगैर नहीं हम रह नहीं सकते नहीं तो अम्मा मैं बनूंगा ना उसकी नहीं यार क्या हो गया नहीं हमने देना नहीं है अम्मा मैं बनूंगा उसका ख्याल रखूंगा ना यार ये देखो इसको मैं ख्याल रखूंगा ना टेंशन क्या है इसकी इधर इसकी अम्मा के बगैर ये दूध पिए बगैर कमजोर हो जाएगा ये चारा नहीं खाता पत्ते वगैरह अच्छा ये बीमार हो जाएगा फिर अम्मा के बगैर जब ये चारा खाने लग पड़ेगा ना तो फिर इसकी डिमांड हो सकती है क्यों ये अपना पेट भर लेगा तो कब तक चारा खाना शुरू करेगा 2 महीने तक करेगा 2 महीने 15 दिन का अभी बेबी जो है ना अभी वो बहुत छोटा है मेरे तो घर वाले मुश्किल से इतने बेबी शिपू के लिए मान रहे थे मैं उसकी अम्मा भी गुस्सा लूं यार ऐसे ही है ना शादी के छोटा बेबी लेंगे तो फिर अम्मा साथ लेनी पड़ेगी क्योंकि वो बिल्कुल मदर फीड पे है आपको ना एक चीज दिखाते मैंने जो मैंने नोट की है ये देखिए जरा इसको उठाएं भाई इसको जरा छोड़िएगा आप ओए भैया बेबी शिपू बच्चे के पीछे पीछे आ रही है हमारे पीछे पीछे आ रही है यार भाई इसका मदर के साथ बॉन्ड चेक करो यार ये तो रोना आ रहा है यार यार ये क्यूट है बहुत ज्यादा क्यूट है और इसी वजह से जो है ना हम उसको मदर से अलहदा नहीं कर सकते बच्चा उठा लिया मैंने आपका है मैंने आपका बच्चा उठा लिया टेंशन नहीं लो वापस दे दिया मदर के बगैर नहीं ले सकते फिर नहीं इसके बगैर नहीं ले सकते आपको बताया ये दूध पीता है भाई वैसे सही बताऊं मुझे रोना आ गया जब मैं शिपू को लेके जा रहा छोटे शिपू को और उसकी अम्मा उसके पीछे पीछे आ रही थी अम्मा भी परेशान होगी ये पीछे पीछे भागेगी बाद में शोर मचाएगी बहुत ज्यादा तो कोई शिपू का शिपू की कोई बहन भाई नहीं है वो पकड़ा दो ना उसकी अम्मा को दिल लगा रहेगा इकलौता बच्चा है इकलौता बेटा है इसका बेटी है बाप किधर गया है बाप नस गया होगा दूसरी शादी कर ली होगी दूसरी शादी कर ली है ना बाप ने बड़ा बगैरत है सही खेल गया मैं बेवफा होते हैं ये लोग बेवफा होते हैं लड़के भी हैं चार चार शादियां शिपू को जो हम लेके जा रहे हैं ना बेबी शिपू को तो उसकी अम्मा पीछे पीछे आ रही है मुझे रोना आ गया यार मुझे तो दिल कर रहा है इसको यहीं पे रहने दे यार खुश है यहाँ पे हैं तुम खुश हो अपनी अम्मा के साथ हैं बताओ अम्मा के साथ बताओ अम्मा के साथ लेते हैं वैसे मुझे घर में इजाजत नहीं मिल रही है कि आपने जो है ना ये मुझे तो इसकी इजाजत नहीं मिल रही इतने से चीज की जिसमें वैसे ही मेरे दराज में पूरा आ जाना है इतनी बड़ी बला लेके जानी पड़ेगी लेकिन मैं तैयार हूँ मैंने देख लिया उसकी अम्मा इसको देख खुद भी परेशान होंगे इनके साथ हमको बहुत प्यार है वो दूसरे देख लो वो ले लें 17,000 का 18,000 का 20,000 का नहीं बकरे भी क्यूट ना है लेकिन मेरा तो दिल्ली दर्शी पे आया था आप अच्छा सा कुछ बताओ मैं इसकी अम्मा और बच्चा साथ लेके जाऊंगा वैसे मेरे घर में इजाजत नहीं है जरा भी इतनी सी भी लेकिन बस मैंने जब इसका बॉन्ड देखा ना अम्मा और बेटा का
वो पीछे पीछे आ रहा है, बच्चे को उठा के लेके जाओ तो अम्मा पीछे आ रही है, अम्मा जाए तो बच्चा पीछे पीछे आ रहा है। तो ये परेशान होगी ना, ये बड़ा क्यूट दिख, मुझे ना रोना आ गया यार। अब मैं मदर के साथ ही लूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, परेशान हो जाएगा अम्मा के बगैर। टच कोई अच्छी सी डिमांड बताओ फिर, अम्मा और बेटा दोनों की। हम देना तो चाहते नहीं लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं, कोई नहीं आपके प्यार से। आप यकीन करो मेरा ना, मैं आपको स्टोरी बताता हूं, मेरा कुर्बानी का छतरा था 2013 का भी, 2024 का भी, बिल्कुल इसकी शक्ल का था ये जो बीबी शिपू बैठा नहीं हुआ नीचे, किधर है, छुप जाता है, एक तो नजर भी नहीं आता है टांगों के पीछे, बिल्कुल ये वाली शक्ल थी उसकी, बिल्कुल इसी का बड़ा वर्जन था। बस उसका बच्चा लेने आया, वो पूरे लाहौर से मिल नहीं रहा था, आपके पास पड़ा हुआ था, मैं कहा चलो डिमांड दसो, कोई नहीं आप अच्छा इसको प्यार से रखना, फिर प्यार से रखेंगे। वैसे भी आप हमारे घर के पास ही हो, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आपका जब आना चाहे आप आके मिल लेना, कोई टेंशन नहीं है, दास हो जाते हैं ना। हाँ कोई टेंशन नहीं, आप जब आओ आना चाहो, इतना प्यार भाइयों हमारे, मार तो इसकी बहुत है लेकिन आपके साथ सिर्फ 1 लाख रुपया दे दो, अम्मा और बेटा दोनों, अम्मा बेटा दोनों, डन करो, मैं आपसे बहस कोई नहीं करूंगा, 1% भी बहस नहीं करूंगा, टेंशन ना लो, है ना, इतना सा है आपके जैसा है। कैसा लगा 10 में से नंबर 2 शिपू को है, 10 में से 10 है, लेवल हो गया कि नहीं, अम्मा साथ आ रही है उसके, प्यो नस गया सी वाकई में, प्यो दूसरी औरतों के पीछे लग गया ना, बड़ा बगैर लेना था उन्होंने, कोई भाव-ताव करा ही नहीं। हाँ तो ये इफ़नान भाई हैं, इन्होंने हमारे लिए जो है शिपू अरेंज करके दिया, और इनका जो है चैनल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट के अंदर दिया होगा, इन्होंने बड़ी मेहनत की, हफ्ते से लगे हुए हैं, ऐसे जानवरों के बारे में मैं आपसे पूछता रहूंगा, है मैं आपके शॉप पे विजिट भी करूंगा, मैं इसका कोई खाना खाना भी लेके जाऊंगा, कोई इंतजाम कर लेना घर पे, है ये पैंपर पहन लेते, नैपी पहना दे इसको, हाँ जी पैंपर लगाना जरूरी है अंदर, तो सब पैंपर कर देगा, पोटी करके पोटी, हाँ करके पैंपर शैम्पर ले लें, फिर हैं हम पैंपर ही लगाते हैं, पैंपर ही लगाए ना फिर। इसके अलावा हमने साथ देखो पेट्स गिफ्ट करने हैं, कोई हाथी घोड़ा चाहे कुछ यस कराओ। अच्छा तो आधा घंटा हो गया, लोडर नहीं मिल रहा, क्या करें यार। यार एक काम करते हैं, इधर आओ, लोडर शोडर को छोड़ो, इन दोनों को इधर ही फिट कर दो, कुछ नहीं होता, इधर ही फिट कर दो, मेरे पास वैसे भी शीट है वो इस तरह की, वो मैं साफ करवा लूंगा, इतना इशू नहीं है अगर छोटी छोटी। हाँ ये इधर बस इसको, इस बच्चे को इसके अंदर कर दो, बड़े को जो है वो इसके साथ इसकी रस्सी बांध के ना यहाँ पे कर दो, बेहतरीन हो जाएगा। अम्मा को भी फिट करा दो अंदर, तो भाई बेबी शिपू बाल्टी के अंदर फिट हो गया जी, क्यूटू सा, बहुत प्यारा है यार। तो बेबी शिपू को हमने बाल्टी के अंदर फिट कर दिया, उसकी अम्मा भी फिट है जी, बांध दिया उसको अच्छे से। चलो हुन कर चलिए यार, चलो अंदर हो जा, मुंह ना लग जाए, ओ बेबी शिपू अंदर हो जा, चल अंदर हो जा, अंदर 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 लग गया भाई। तो बेबी शिपू को पकड़ लिया, उसकी अम्मा छाती मारी है भाई, ओए 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 ओए। तो लोटे छोटे मिल नहीं रहा था, ठीक है, तो हमने जो है डिसाइड किया कि गाड़ी के अंदर ही ले आते हैं। आइए तेन अनलोड करिए, ओए बैठा हुआ है, ओए क्यूट बैठा हुआ है भाई, बैठा हुआ तो और प्यारा लग रहा है यार पार्टी के अंदर। यार तुम्हारा तो यही घर कर देते, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा केज रेडी किया हुआ है भाई, तुम तो इसी में फिट आ गए हो यार, यहाँ पे तुम्हारा भाई भी फिट आ सकता है। अरे नहीं वो करो, ध्यान से ध्यान से, ओए नहीं नहीं कुछ मार दी, अबे यार तुम्हें बड़ी फुर्ती है यार, उठा लिया भाई, लगा था यार। इस तरह से हो सकता है कि अगर मैं इसकी अम्मा को जो है जब ये बड़ा हो जाएगा 1-1.5 महीने का, तो अम्मा छोड़ रहा हूँ वहीं पे वापस, ऐसा पॉसिबल है? देख ले जैसे आपको इजी लगता है। अगर तो इसकी कोई बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग हुई कि अम्मा के बगैर बिल्कुल ही उदास हो गया, डिप्रेस हो गया है ना, शुरू कर दिया तो चलो कर लेंगे, लेकिन अगर वो इतने जोगा रहा तो फिर हम इसको रख लेंगे बस भाई, इसकी 1.5 माह तक तो अम्मा इसका हमारे साथ ही है भाई। ये देखिए रस्सी से मैंने अम्मा को बांधी हुई है, बच्चा पीछे पीछे खुद ही आता है यार, क्यूट तरीन भाई, आजो। अभी फिलहाल जो है ना हम लोग ऊपर केज में नहीं लेके जा रहे इसको, हम लोग जो है इसको अभी इधर पार्क में छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ना घास घूस खाता रहेगा, हम लोग उसको ऊपर तभी लेके जाएंगे जब ऊपर जो है ना इसके खाने का इंतजाम हो जाएगा इन दोनों का। बेबी चिपू क्यूट है भाई, उसके पीछे 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 जिधर अम्मा जा रही है उसको पता भी नहीं कहाँ जा रही है यार, क्यूट तरीन भाई, नाइस बेबी चिपू। कोई नहीं अभी बच्चा है ना, अभी समझता कोई नहीं है, अभी यहाँ पे जो है ना घास बहुत ज्यादा लंबी है, इसको हम फिलहाल जो है ना यहाँ पे बांध देते हैं। चलो चलो जी यहाँ पे रहे हैं फिलहाल, खुश हैं, घास घूस खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं दोनों, केज के अंदर जब इसकी रोटी छोटी का इंतजाम हो जाएगा फिर इसको चुपके लेंगे ऊपर। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से पार्क का माहौल ठीक है, धूप भी नहीं है ना, तो दोनों जो है ना एंजॉय करते रहेंगे खुले आसमान के अंदर, खुले पार्क के अंदर। बेबी शिपू वेलकम टू द फैमिली। तो बेबी शिपू देखें खुद भी घास खा रहा है, तो बेबी शिपू आ गया, रूप को सरप्राइज देते हैं भाई। भाई वीडियो इधर एंड होता है, जबरदस्त था, बहुत प्यारा शिपू था भाई, मतलब मजा आ गया देख के, मतलब दिल ऐसा कर रहा था उसको
अंदर लैपटॉप में हाथ डाल के बाहर निकाल लूं। बिल्कुल बहुत प्यारा था। और जो माँ बेटे की जो देखने को मिल रही थी बॉन्ड, वो देख के बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि सच में इमोशनल हो गए। बिल्कुल, माँ के पीछे पीछे वो बच्चा भी जा रहा था और बच्चे को हाथ में उठाया तो उसके पीछे पीछे माँ आ रही थी, तो वो चीज देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत प्यारा है, दोनों माँ बेटे दोनों बहुत प्यारे हैं और इनसे भाई बहुत तगड़ा बॉन्ड होने वाला है टक्की भाई का। बिल्कुल। और जिनसे उन्होंने लिया उनका कितना बॉन्ड था यार, उन्होंने कैसे मतलब वो इमोशनल हो गए थे और ये बात है भी कैसे कहा कि भाई आपको इनका ध्यान रखना है। तो और कई बार जब हम कुर्बानी का बकरा लेने जाते हैं ना, तो भाई जो पालते हैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है उनसे और उनका बेचने का दिल नहीं करता, लेकिन उनकी मजबूरी रहती है कि उनको बेचना पड़ता है। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि उन्होंने जितने डिमांड करी डकी भाई ने उतने ही दे दिए। डकी भाई को भी कंफर्म पता होगा कि ये बहुत महंगा दे रहे हैं, लेकिन डकी भाई ने सोचा होगा कि यार इसकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी तो उसके तौर पर दे दिया उन्होंने। बिल्कुल। और फिर डकी भाई ने देखा ना कि यार ये भी कितने इमोशनल हो रहे हैं, इनको बेचना नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से रेट ऐसा बोला होगा कि ये ले ही ना, लेकिन डकी भाई ने एक बार में आकर दी। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।